उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बासतपुर निवासी देहाती सिंगर मोनू राणा का राजपूत समाज एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राजपूत के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। सांठा चौरासी के छोटे से गांव बागसपुर निवासी मोनू राणा आज सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मोनू राणा देहाती हरियाणवी और भजन के गीतों से अपने क्षेत्र में धमाल मचा रहे हैं। बहुत जल्द ही देश विदेशों में भी वो धमाल मचाना चाहते हैं। जल्द ही उनके नए गीत भी रिलीज हो जाएंगे। मेरा भाइयों ने बुला के स्वागत किया है, जो कि गाने सबको पसंद आते हैं। मेरे देहाती गाने गाता हूँ मैं, राजपूताना सॉन्ग और हरियाणवी सॉन्ग और भजन भी लेके आता हूँ अपने चैनल पर। मेरा चैनल है ठिकाना साठा चौरासी। तो मेरा जो मकसद है वो कोई ये नहीं है कि मैं अपना नाम रोशन करूँ, मुझे केवल मेरा मकसद ये है, मैन मोटिवेट, कि मैं अपने क्षेत्र साठे चौरासी का नाम रोशन करूँ, देश विदेशों तक हमारे साठे चौरासी का नाम जाए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना तहसील में किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो वहीं किसान राजकुमार ने समिति कर्मचारियों पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि धौलाना पिलखुआ मार्ग स्थित कस्बा में सहकारी गन्ना विकास परिषद पर भारतीय किसान संगठन के प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा के नेतृत्व में किसानों ने समस्याओं को लेकर नारेबाजी की, साथ ही अधिकारियों के रवैये को सुधारने की मांग भी की। डिप्टी सुपरवाइजर हैं, उन्होंने हमारी गैल धांधलेबाजी कर रखी है। डिप्टी अभिषेक सुपरवाइजर, उन्होंने बॉन्ड चलवाया है जी। मैंने अभी ओमबीरसन ऑफ रामशरण ग्राम खुर्शेदपुरा, और उसे चलाने के लिए 1200 रुपये उन्होंने सुपरवाइजर जी ने मुझसे लिए। इसकी शिकायत आपने की किसी से? इसकी शिकायत मेरे और भी दो कैलेंडर हैं, मैं आज उन्हें लेकर आया हूँ। तो मुझसे कही गई आप एक हफ्ते बाद आना, आपका एक हफ्ते बाद काम हो। मिल ने इंडेंट जारी कर दिया, किसानों का गन्ना कटने लगा। मुझसे कही जा रही है आप एक हफ्ता बाद आकर मिल लें। यहाँ पर आने का एक कारण है कि गांव कंदोला में जहाँ मोदी का भी कांटा है और जहाँ बृजनाथपुर शुगर मिल का भी कांटा है, लेकिन मोदी मिल से संतुष्ट नहीं है किसान, और इसलिए उन्होंने बृजनाथपुर शुगर मिल से जाके अपना जो बॉन्ड वगैरह कराए हैं, और स्वीकृति दोनों मिल की मिल गई है, वो मोदी मिल की भी मिल गई है कि वहाँ से आप जा सकते हैं बृजनाथपुर शुगर मिल, और बृजनाथपुर की भी मिल गई है कि आप आ सकते हैं। उसके बाद भी हमने सारी फाइल वगैरह 1.25 महीने पहले दे दी है, और फाइल देने के बाद भी आज अगर DCO साहब से बात हुई है तो DCO साहब और हमारे सचिव साहब ये कह रहे हैं कि इसमें टाइम भी लगेगा, और जो इसमें गन्ना आयुक्त से जाके मिलेंगे। कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर अवैध सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो फैक्ट्री में मौजूद थे। अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री से करोड़ों की नकली सैनिटाइजर सहित फिनाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के गौसपुर कटोला रोड पर ये अवैध सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। हम लोगों को जब मार्केट में इस तरह का सैनिटाइजर मिला जो यहाँ का पता था, और प्रयागराज में कोई FL-41 लाइसेंस जारी नहीं हुआ, तो हम लोगों को शंका हुई। हम लोग यहाँ से लगभग एक सप्ताह से मुखबिरी कर रहे हैं, और यहाँ आज अचानक छापा डाले तो यहाँ करोड़ों रुपए का ये सैनिटाइजर है, फिनाइल है, और ये आपका जो नल सफ़ा करने वाला है, कार वाश है, इस तरह कई चीज़ें मिली, जो केमिकल मिले जो कि सब नकली अवैध हैं, किसी तरह के पेपर नहीं प्रस्तुत कर सके।